इतने निकम्मे जनप्रतिनिधि हैं कि वो खुद ही नहीं आएंगे, उनको खुद ही नहीं पता है कि यहाँ क्या समस्या है। तो जो मौजूदा विधायक हैं लक्ष्मीपुर के, वो 5-7 गाड़ियों से चलने की उनकी आदत होगी, शीशा चढ़ाकर चल रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, शीशा खोला, थूकने के लिए जनता कोई एक गरीब आदमी आया कि मान्यवर हमारा ये काम है, तो उसको गाली दे करके कहा कि साले थूकने भी नहीं दोगे। हम तो 9 मार्च को हमने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब से हम कांग्रेस में ही। मैं 9 मार्च जानता हूँ, लेकिन आज आए हैं यहाँ लक्ष्मीपुर में अपने जो है प्रत्याशी के साथ। हाँ नहीं बिल्कुल, और जनता उत्साहित है, जनता सड़क पर है। हमने फोन किया जिनको, वो अपने गांव वालों को भी लेके आ गए। हमने तो कहा एक कार्यकर्ता की मीटिंग हो जाए, आप लोगों का शुभ संदेश हो जाए, लेकिन इतना उत्साह था कि जन कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता, उनके साथ जनता भी उठ के यहाँ तक चली आई इतनी गर्मी में हमारी बात सुनने कार्यालय के उद्घाटन में। मैं गोरखपुर से आपसे खासतौर से मिल आया क्योंकि लक्ष्मीपुर में घूम के आया हूँ अभी चौराहा यहाँ पे, जब आप नहीं आए थे तो मैं सोचा थोड़ा देख लेता हूँ, कुछ बदलाव तो हुआ। बदलाव के जगह पे क्या है कि उजड़ गया है, जो गरीब का जो जो वो था क्या कहते हैं अगर जो जिससे वो रोजी रोटी करते थे, वो भी उजड़ने के कगार पे है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, अवसर प्रदान न जनप्रतिनिधियों ने किया, न उस ओर ध्यान दिया, न सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। अगर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते तो हो सकता है सरकार सोचती, लेकिन इतने निकम्मे जनप्रतिनिधि हैं कि वो खुद ही नहीं आएंगे, उनको खुद ही नहीं पता है कि यहाँ क्या समस्या है, वो क्या सरकार को बताएंगे? जनता से मैं पूछता हूँ तो जनता भी कहती है अभी तक 30 सालों में मैं उनको शायद एक बार देखा होगा, वो भी दूर से गाड़ी से हाथ हिलाते हुए, क्या कहना चाहेंगे? आपको 2 घटना बता दूँ। ये धुसवा एक गाँव है, वहाँ के मिश्रा जी थे और हमारे पिताजी उस समय मिनिस्टर थे, बैठे थे, पंकज जी आए, चुनाव चल रहा था, धुसवा के पंडित जी ने इतने अपशब्दों का प्रयोग किया कि पंकज जी उठ के भागने लगे, हमारे पिताजी ने बैठाया, समझाया, उसके बाद उनका प्रचार शुरू हो सका। ये उनकी स्थिति हरदम रही, तो कहीं सहयोग में कहीं आगे पीछे, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी रहीं कि वो सांसद होते रहे। अब जनता ने मन बना लिया है कि एक कर्मठ नौजवान हमारे साथ है, वीरेंद्र चौधरी, हम उसको जिता करके और परिवर्तन करके लाएंगे। आप जब यहाँ पे विधायक थे, मैंने देखा यहाँ का काम आपने करवाया, अभी जो वो सड़क है वही बनी हुई है, कुछ उसमें अलग नहीं किया गया है, जनता क्या चाह रही है? मैं आपको फिर एक घटना और बता दूँ, विधायक जी भी हैं, आप भी क्षेत्र में जाते हैं, तो जो मौजूदा विधायक हैं लक्ष्मीपुर के, वो 5-7 गाड़ियों से चलने की उनकी आदत होगी, शीशा चढ़ाता चल रहे थे, उनको थूकना उपना रहा होगा, अब जो कुछ खाते हों हमें नहीं पता, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, शीशा खोला, थूकने के लिए जनता कोई एक गरीब आदमी आया कि मान्यवर हमारा ये काम है, तो उसको गाली दे करके कहा कि साले थूकने भी नहीं दोगे, और गाड़ी आगे चली गई। तो ऐसे लोग जनप्रतिनिधि हैं, वो क्या जनता की समस्या सुनेंगे? अब ये गाड़ी का शीशा तब खुलता है, गाड़ी तब धीरे होती है जब उनको पान थूकना होता है। अमन जी, आप गरीबों से जुड़े हुए हैं, आपका आप ही नहीं आपके पिताजी भी गरीबों से जुड़े हुए थे, अगर हम बात करें उस समय ये लक्ष्मीपुर विधानसभा हुआ करता था, नौतनवा नहीं हुआ करता था, और लक्ष्मीपुर विधानसभा की जनता कहती थी सांसद ही लड़िए, लेकिन वो विधायक ही लड़ते थे, इसलिए क्योंकि जनता से जुड़े हुए थे। क्या आगे का विचार आपका है? हमारा विचार यहाँ की जनता की सेवा करना है, और कोई विचार नहीं है, बस इतना कि नौतनवा की जनता की सेवा हम ताजिंदगी करते रहे। नौतनवा में भी आपने जब विकास किया है, मैं नौतनवा भी घूम के आया हूँ, उससे अलग कुछ हुआ ही नहीं है, इसमें जनता क्या, जनता का राय आपसे तो मांगती होगी, आप वो गरीब तो आता होगा आपके पास ना, जो इस समय दर्द झेल रहा है, दंश झेल रहा है, वो आपके पास आता होगा, कैसे आश्वस्त करते हो? देखिए, हम उनसे यही कहते हैं कि इस बार हमको अवसर नहीं मिल पाया कि हम जीत सके, नहीं तो कमीशनखोरी नहीं होती, कमीशनखोरी होती है तो कागज़ों पर सड़क बनती है, कमीशनखोरी नहीं होगी तो वास्तविकता में सड़क बनेगी। तो आप पुनः जब चुनाव आएगा, आपका आशीर्वाद रहेगा, हम जीत के आएंगे, तो कागजों पे नहीं, मौजूदा स्थिति में सड़क बनेगी। यानी अगर बात करें तो चौतरफा विकास, अब हमारे सांसद जी जो प्रत्याशी हैं, इसमें विधायक जो है फरिंदा के हैं, वो करते हुए नजर आएंगे, कैसा क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, और जो विकास है वो आप देख रहा होगा, फरिंदा भी चले जाइए, इसके पहले जो विधायक थे उनका भी देख लीजिएगा और मेरे बारे में पता कर लीजिएगा। मैंने देखा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप थके हुए पूरी तरह से नजर आ रहे हैं, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो इस बार अगर जीत के आते हैं तो जनता के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ यहाँ पे चाहिए जनता? देखिए, जनता के लिए तो बहुत कुछ करना है, सबसे पहले तो इस ज़िले को जो अति पिछड़े ज़िले की श्रेणी में आ गया, आप गूगल उठा के देख लीजिए,
यह जनपद अति पिछड़े जिलों की श्रेणी में आ गया है। इसका विकास करके इसको विकसित जिले में लाना इस पहली प्राथमिकता है मेरी, जिससे महाराजगंज का नाम विकसित जिले में हो और भारत में इसकी पहचान हो। 30 साल तक सांसद रहने के बाद भी और इस समय वित्त राज्य मंत्री केंद्र सरकार में एक बार भी संसद में महाराजगंज का नाम नहीं उठता है। जनता चाहती है कि आप उनके लिए कुछ करें, ऐसा कुछ करेंगे? एकदम निश्चित रूप से, मैं तो आज भी आपके सामने भी बोल रहा हूँ, फिर भी कह रहा हूँ, जीत के जाऊँगा तो महाराजगंज की आवाज़ बनूंगा। महाराजगंज की जनता के लिए वो हर सवाल जो उसके विकास से जुड़ा होगा वो पार्लियामेंट में गूंजेगा, ये आप देखेंगे। जब आप यहाँ से जीत के गए तो राहुल गांधी ने सबसे पहले आपको स्वागत किया और एक ऐसा शब्द बोला था जो शब्द मैं नहीं आप बोलेंगे, क्या बोला था? आप बताइए मुझे। मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए। जीत के जब आप बोलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप जनता की आवाज़ है, आप जो बोलेंगे तो जनता इसका करेगी। बताएं एक बार क्या बोला था कि ऐसा ही चाहिए नेता, ऐसे नेता होना चाहिए। जब अगर उन्होंने ये कहा कि एक तरफ जहां भाजपा की मोदी की लहर आती है, वहीं एक ऐसा जो है शख्स जो यहां से फरिंदा से जीत कर जाता है वो भी कांग्रेस का नाम रोशन करता, क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, ये तो हमारे नेता के मानता है, उन्होंने इतना सम्मान दिया और निश्चित रूप से ये हमारी जनता, जिस जनता ने मुझे वहाँ विधायक बनाया था, मैं तो उसका ऋणी हूँ। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस लहर में भी मुझे जीत कर विधायक बनाया था। इस चुनाव को, संसदीय चुनाव को इस बार किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये चुनाव तो एकदम इस देश का ऐसा चुनाव है जिसमें देश में लोकतंत्र बचाना है, देश का संविधान बचाना है, आम जनता सड़क पे खड़ी होकर के ऐसे लोगों को बदला लेने के लिए खड़ी, और महाराजगंज के लिए तो और है। 30 वर्षों से ऐसे निकम्मे सांसद से लोग छुट्टी पाना चाहते हैं। अमन जी, एक सवाल आपसे पूछूंगा, कल डुमरियागंज का एक घटना हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री ने मंच से बोला है, आप भी जानते होंगे, आपने भी शायद सुना होगा, एक ब्राह्मण वर्ग पे इस तरह का कटाक्ष करना क्या एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? सर, हमने सुना नहीं कि उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ब्राह्मण समाज के लोगों को या ब्राह्मण समाज को क्या कहा, तो मेरा इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। हम सुन लेंगे या आप बता देंगे तो फिर हम उस पे कुछ कह सकेंगे। मैं ये इस पे नहीं कह सकता क्योंकि ये मेरा चल रहा है, मैं ऑफलाइन आपको बताऊंगा कि क्या कहा था, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो इस समय हम जो है लक्ष्मीपुर में थे और लक्ष्मीपुर में इस समय अमन मणि त्रिपाठी हमारे साथ थे, साथ ही साथ बताएं कि यहाँ सांसद प्रत्याशी बीरेन चौधरी भी हमारे साथ थे, उन दोनों लोगों से अच्छी बात हुई, दोनों लोगों ने बेबाकी से जवाब दिया। गोरखपुर पोस्ट के लिए सतीश शुक्ला, गोरखपुर।